मैटर, मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज होती है, जो भी चीज आपके पास है, आपके हाथ में अगर कोई पेन है, आपकी नोटबुक है, हर एक चीज हमारी दुनिया की एक मैटर है, ठीक है? तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो जो हमारे आसपास चीजें हैं क्या वो प्योर हैं? तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क प्योर है, मतलब मिल्क में कोई भी मिलावट नहीं है, घी प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। जनरली हम लोग किसी भी चीज को प्योर कह देते हैं, सॉरी, हम किसी भी चीज को प्योर कह देते हैं जब उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो ये तो नॉर्मल हम लोग कॉमन पर्सन के हिसाब से हो गया, अगर कोई एडल्टरेशन नहीं है। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, अगर कोई मिलावट नहीं है तो वो चीज़ प्योर है। बट साइंटिस्ट के नज़रिए में मिक्सचर जो होते हैं ना, जिसमें अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, वो प्योर नहीं होता। अलग अलग सब्सटेंस का मतलब, जैसे कि अगर आप मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, तो मिल्क में पानी भी होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर नहीं हो सकता। प्योर चीज़ अगर हम साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि वो चीज जिन जिन चीजों से मिलके बनी हुई है वो सारी एक जैसी होनी चाहिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर जो दूध है वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स से बना होता, तो सारे के सारे उसके पूरे के पूरी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती तो वो प्योर हो सकता था, ठीक है? तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है, वो सारे के सारे सबका केमिकल नेचर मतलब उनके अंदर क्या है, वो चीज़ सारे बिल्कुल सेम है, तो वो प्योर है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो भी बिल्कुल सेम नेचर की होती है। दूसरे वर्ड्स में कहें, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर का एक ही फॉर्म उसमें होगा। मतलब जैसे कि बहुत इजी भाषा में, अगर ए है ना, तो सारे के सारे बिल्कुल एक साइज के, एक मोटाई के, एक लंबाई के ए ही होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो हम उसको कहेंगे कि वो प्योर है। तो अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, तो सब्सटेंस क्या होता है, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। आपका क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी मिल गया आपको, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस, सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर कहाँ पर है, इसका आंसर ये रहा, ये देखिए, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है, और ऑल द सब्सटेंस दैट हैव सेम केमिकल नेचर, ये भी कोई जरूरी नहीं है सिर्फ इतना सा आंसर है, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है? दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आंसर आएगा फटाफट देख लेंगे। हमें बताना है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर। अभी आगे ही थोड़े से टाइम में देखेंगे। होमोजीनियस पहले बता देती हूँ मैं आपको, कि जो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका केमिकल नेचर सेम होता है और वो एक ही तरीके के सारे सब्सटेंस होते हैं, वो होमोजीनियस हो गए। हेटरोजीनियस मतलब अलग होना। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि एक सब्सटेंस क्या होता है, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मतलब एक दो अलग अलग टाइप की मैटर से मिलके बना है, जैसे कि फैट भी है उसमें, विटामिन भी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मिलावट हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगा, है ना? तो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब होनी प्योर ही चाहिए मगर एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फैट है बिल्कुल प्योर है और उसमें विटामिन भी है, है ना, ठीक है, और उसमें हो सकता है प्रोटीन भी होगा, मगर ये अपने आप में तो प्योर होने चाहिए, सारे सारे अपने आप में प्योर होने चाहिए, मगर ये सब प्योर होने के बाद भी मिले हुए होने चाहिए एक साथ, तो क्या हो जाएगा, वो एक मिक्सचर हो जाएगा। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है वो NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड। हम लोग फिजिकल प्रोसेस से मतलब हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करने के बाद इसको अपना यूज में ला सकते हैं। हाउ एवर सिल्वर क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इंटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मगर हम लोग क्या, सोडियम क्लोराइड क्या था, एक मिक्सचर था, है ना, मिक्सचर था, हम लोगों ने देखा पानी में मिला हुआ है, बट अगर हम उसका इवेपोरेशन कर देंगे
करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अपने आप में तो प्योर सब्सटेंस है, जबकि उसमें क्या है, उसमें सोडियम, सोडियम का सिंबल एन होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है सी एल। आप थर्ड चैप्टर में अभी सब कुछ पढ़ लेंगे। तो सोडियम का सिंबल एन होता है, क्लोरीन का सी एल होता है, भले ही हम लोगों का सॉल्ट वाटर जो होता है उसमें NaCl होता है, मगर ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों है? क्लोरीन इटसेल्फ इज अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें सोडियम भी अपना बिल्कुल प्योर है और क्लोरीन भी अपना बिल्कुल प्योर है, ठीक हो गया। और इसको हम लोग फिजिकल मैथड से, केमिकल मेथड से तो हम सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देंगे, बट फिजिकल मेथड मतलब हाथ की सहायता से तोड़ के फोड़ के, है ना, इस टाइप से। केमिकल तो मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी या किसी केमिकल से कर दिया, है ना। तो फिजिकली आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो एक और हम लोगों को सब्सटेंस मिल गया जो प्योर काइंड ऑफ मैटर है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया शुगर, क्योंकि वो पूरे के पूरे एक जैसा है, उसमें डिफरेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है हमारे लिए, बहुत ख़राब करती है हमारी सेहत को, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, मिट्टी हो गई, ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो वेन एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में भी, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस का, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब चाहे सोर्स कुछ भी हो मगर उसकी प्रॉपर्टी वही होगी। जैसे शुगर, शुगर देखिए चाहे वो हम कहीं से भी लाए हों मगर उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो हर जगह सेम ही होंगी। तो हम लोगों ने ये किस्म, ये क्या देख लिया, हम लोगों ने मिक्सचर देख लिया कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बना हुआ होता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब जैसे कि NaCl था, NaCl मिक्सचर कैसे हो गया, क्योंकि एक NaCl अपने आप में प्योर है, Na अपने आप में प्योर है और Cl अपने आप में प्योर है, मगर ये दोनों क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ करके इन्होंने NaCl बना दिया है, तो ये मिक्सचर हो गया। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। तो ये आपका हो गया व्हाट इज मिक्सचर का आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए NaCl, शुगर वगैरह बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो जो था वही एक्टिविटी देखते हैं। तो क्लास को ना चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्रुप है उसके बीकर में 50 ml तो वाटर है और स्पैटुला, आप चम्मच समझ लीजिए, चम्मच की हेल्प से उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया है। ग्रुप बी जो है उसके पास भी 50 L वाटर है और उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया है। अब ग्रुप सी और डी जो है उनको लिया गया है, टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमांगनेट, ठीक है। तो उन्होंने एक तो कॉपर सल्फेट लिया है और एक पोटेशियम परमांगनेट, ये सब केमिकल फॉर्मूलाज हैं इनके, आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे। पोटेशियम परमांगनेट ये है, कॉपर सल्फेट ये है। तो सी और डी ग्रुप जो है इन्होंने अलग अलग, मतलब थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, किसी ने ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, वो वेरी करता है, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें अपने ऑब्जर्वेशन को देखना है, तो हमें पता लगेगा कि ग्रुप ए और बी जो है ना, उनका जो मिक्सचर मिला है विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है पूरे के पूरे थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट है दोनों में ही, कॉपर सल्फेट के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है। इसलिए इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन हो गया। कुछ और एग्जांपल इस तरीके के मिक्सचर्स के हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, है ना, इस तरीके के एग्जांपल्स के हो जाते हैं। सॉल्ट और शुगर अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो सिर्फ सॉल्ट होगा, सिर्फ शुगर होगा, तो इस तरीके का एग्जांपल हमारा होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है, ठीक हो गया। फिर अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कलर, तो कलर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि एक पहले वाले में, ए ग्रुप में जो कॉपर सल्फेट था ना वो थोड़ा ज़्यादा था और बी ग्रुप में जो कॉपर सल्फेट था, सॉरी ए ग्रुप में कॉपर सल्फेट 1 चम्मच था और बी ग्रुप में 2 चम्मच था, तो बी ग्रुप का कलर अलग हो जाएगा, है ना। और सी और डी ग्रुप जो है वो होमोजीनियस नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें एक तो कॉपर सल्फेट था और एक पोटेशियम परमांगनेट था, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएंगे, 2 अलग अलग तरीके के सब्सटेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग हेटरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सी और डी में जो मिक्सचर था विच कैन कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, क्योंकि CuSO4 है, पोटेशियम परमांगनेट है, तो बिल्कुल अलग अलग 2 चीज़ें हो गई, तो इस तरीके के मिक्सचर्स को हम लोग हेटरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, आयरन फिलिंग्स, ठीक है, सॉल्ट सल्फर ऑयल मिक्सचर, ये सारे के सारे हेटरोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्ट वाटर या फिर शुगर वाटर, और हेटरोजीनियस में आप एक से ज़्यादा चीज़ मिला लेंगे, है ना। हेटरोजीनियस मिक्सचर जैसे कि सोडियम
मिक्सचर से सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, मतलब सोडियम क्लोराइड भी डाल दिया और आपने उसमें कीले भी डाल दिए, दो चीज़ें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेट्रोजीनस हो जाएगा, एक चीज़ डालेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर वो हमारा बन जाता है। अब हमारे पास आगे आता है यहाँ पर, ये देखिए और के मिक्सचर कितने कितने टाइप के होते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हमने फिर से क्लास को चार भागों में डिवाइड कर दिया ए बी सी डी में, और जो पहला ए ग्रुप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप, ये सैंपल फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हम लोग ग्रुप ए को दे देंगे, एक स्पैटुला ठीक है फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, एक कुछ क्रिस्टल देंगे कॉपर सल्फेट के हम लोग ए को, एक चम्मच भर के कॉपर सल्फेट हम लोग को बी को दे देंगे, सी को हम लोग चौक का पाउडर और आर्टिका मेरे बचपन में मैथ्स, तो मिल्क या फिर इंक दे देंगे। तो हर ग्रुप को जो है अपना सैंपल पानी में डालना है और उसको हिलाना है। तो अब हमें देखेंगे कि कौन से वाले में से डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट अगर हम लोग या फिर टॉर्च पास कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम लोगों को पास हो जा रही है। तो देखिए ठीक है, लेट द मिक्सचर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब आपने एक में सबसे पहला वाला जो था ग्रुप उसको आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे दिए, दूसरे को आपने कॉपर सल्फेट दे दिया, तीसरे को आपने चौक का पाउडर या आटे का पाउडर दे दिया, और चौथे को आपने मिल्क या फिर इंक दे दिया। अब आपने कहा इनको मिला लो और फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, फिर आपको पता लगेगा, लीव द मिक्सचर्स एंड अंडरस्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, फिर आप देखेंगे कि इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ पार्टिकल्स किसी किसी के नीचे जमने लगे हैं, तो जो चौक का पाउडर होगा ना या फिर जो क्रिस्टल्स होंगे कॉपर सल्फेट के उनके नीचे जमने लगेंगे। अगर आप इसको फिल्टर पेपर से डालेंगे तो क्या कुछ बचेगा फिल्टर पेपर लगाने के बाद, तो ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन, ग्रुप ए और बी के पास क्या आया है, सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, क्योंकि पानी में घुल जाता है तो इनके पास सोल्यूशन आया है, और ग्रुप सी के पास क्या है, सस्पेंशन आया है, सस्पेंशन क्यों, क्योंकि इनके पास क्या था, चौक का पाउडर था, चौक का पाउडर आप फिल्टर पेपर में क्या करोगे, फिल्टर हो जाएगा, ऊपर चौक आ जाएगी, और ग्रुप डी के पास कोलाइडल आया था, कोलाइडल का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। अब ये जो था ना आपका, ये पूरा का पूरा आगे के चैप्टर में ना हम यही तो पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। तो वही है, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस, अब हम आगे के चैप्टर में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस इसके बारे में ही पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आगे थोड़ा सा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जैसे कि आपका हो गया शुगर वाटर है ना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बिल्कुल एक जैसा वो हो जाता है, अलग अलग उसमें कुछ हमें पता नहीं लगता, जैसे कि आप लोग लेमोनेड नींबू पानी बनाते हैं, सोडा वाटर होता है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं सॉल्यूशन के, इसमें चीज़ें आराम से खुल जाती हैं। यूजुअली हम लोग सोचते हैं सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स इधर सॉलिड लिक्विड ऑफ गैस डिजॉल्व इन इट, ठीक है, हम लोग ज़्यादा सोचते हैं लिक्विड होगा जिसमें कुछ घुला हुआ होगा, बट हम लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है, बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड जैसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए एलॉयज, एलॉयज जो होते हैं ना वो मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के या फिर नॉन मेटल के, जिसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। एलॉयज हमारे किसके एग्जांपल हैं, एलॉयज हमारे मिक्सचर्स के एग्जांपल हैं, और ये मेटल्स होते हैं या फिर मेटल या नॉन मेटल से मिलकर के बने होते हैं, और हम उनको इजीली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। अलॉय इसको हम लोग मिक्सचर कंसीडर करते हैं क्योंकि इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अब इसको हम लोग एक मेटल, क्योंकि जिस मेटल से बना होता है ना उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, उसके अलावा भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज ये शो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रास, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको जब भी अलॉयज आए तो ये पूछ बताना है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ब्रास किससे बना होता है, कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बना होता है, ठीक हो गया। तो अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल, जिसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, एग्जाम्पल के लिए ब्रास। तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, अलॉय भी है ना, तो सिर्फ लिक्विड में ही सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, और गैसेस मतलब जैसे हवा है, हवा में भी क्या है, हवा में कितनी सारी चीज़ें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो जो गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट पर्टिकुलर लेवल, हर सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर लेवल पे होमोजेनिटी आ जाती है। जैसे कि अगर आप हवा की बात करें तो कितना
पर्टिकुलर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में होता है, हर चीज़ एक पर्टिकुलर परसेंट में प्रेजेंट होती है या फिर इवनली बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब आगे देखिए, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है एज इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं ये देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। तो जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का खुद में किसी दूसरे को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होता है जो खुद में डिसॉल्व करता है, जैसे कि क्या हो गया, पानी। पानी ज़्यादातर चीज़ों का सॉल्वेंट होता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर मेनी थिंग्स। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है ना वो होता है जो अपने आप में घोलता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट इन इट, मतलब दूसरे कंपोनेंट को खुद में घोलता है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है और जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है। एग्जांपल्स देख लीजिए, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब शुगर पानी में घोलते हैं, इज अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जिसमें घुलता है। इसी तरीके से आयोडीन अल्कोहल में नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, और एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा आर डिसॉल्व्ड इन गैसेस, लिक्विड गैस। तो इसमें गैस क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर ज़्यादा सॉल्वेंट होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसे एक दूसरे की कंपोजिशन बदलते नहीं है। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और बाकी सारी गैसेस बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, चीज़ ना आपको अच्छे से करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब एक जैसा कंपोजिशन उसका हर तरफ रहता है। अ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, मतलब उसका पार्टिकल्स जो होते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में और उनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर बहुत ही छोटा होता है, 10^-9, मतलब 9 गुना छोटे होते हैं वो मीटर से, बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, आपको बिना माइक्रोस्कोप से नेकेड आइज, मतलब नंगी आंखों से जैसे नॉर्मल आइज है इससे नहीं दिखेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। फिर थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि उनका बहुत ही छोटा साइज होता है, दे कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मतलब इतने छोटे होते हैं ना कि अगर उन पर लाइट पड़ेगी तो उसको वापस स्कैटर वो नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। इसलिए तो जैसे कि इंक है, इंक के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं तो हमें इंक के अंदर क्या रखा हुआ है वो हमें दिख ही नहीं पाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो हमें इसमें क्या लिखना है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। पहला पॉइंट है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। तीसरा पॉइंट है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल बिकॉज देयर साइज इज वेरी स्मॉल। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो घोला जाता है। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल हमने देख लिए ना कितने ज़्यादा छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, तो उसको हम लोग फिल्टर करके नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज नोन दिस सॉल्यूशन स्टेबल, मतलब अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो कुछ भी नीचे नहीं बैठेगा, इसलिए वो जो सॉल्यूशन होता है ना वो स्टेबल होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन से आप नहीं निकाल सकते हैं और उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नीचे भी जम करके नहीं बैठेगा।